नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। भीषण सड़क हादसा, ट्रक और कार पूरी तरह से जले, कार में सवार दो लोगों की हुई मौत। चोराटा बाईपास में रात 1 से 2 के बीच हुआ एक्सीडेंट, मृतक नारी वारी एक संगीत समारोह से लौट रहा था। चोराटा थाने के बाईपास में देर रात हुआ भीषण सड़क हादसा, ट्रक व कार आपस में टकराई, दोनों वाहनों में लगी भीषण आग। कार के अंदर सवार युवक जिंदा जला, दमकल की मदद से बुझाई गई आग। मौके पर पहुंची पुलिस टीम, सुबह कलेक्टर व एसपी ने किया घटना स्थल का निरीक्षण। कार सवार की पहचान हो गई है, हादसे के कारणों की पुलिस कर रही है जाँच। मिली जानकारी के अनुसार कार में कई लोग सवार थे, ये लोग संगीत समारोह में इलाहाबाद के नारीबारी गए थे। लौटते समय कार में सवार लोग पहले उतर गए, केवल दो लोग बचे थे जिनको बाईपास के आगे दुआरी तक जाना था। कार में ड्राइवर के अलावा रिंकू शुक्ला जिनकी उम्र 40 साल थी, दुआरी जेरुका मनटोलवा मंडोला के रहने वाले थे। ड्राइवर उनको छोड़ने उनके गाँव जा रहा था, उनका गाँव बस चंद किलोमीटर ही बचा था। इसी दौरान चोराटा बाईपास में कार ट्रक से टकरा गई। कार में सीएनजी थी, वहीं ट्रक में ट्रांसफार्मर लोड था, जिसकी वजह से भीषण आग लग गई। कार में सवार लोग बाहर नहीं निकल पाए, वहीं ट्रक को ड्राइवर छोड़कर भाग गया। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, कार और ट्रक पूरी तरीके से जलकर खाक हो गए। हमने मौके पर मौजूद एडिशनल एसपी अनिल सोनकर से बात की, वहीं मृतक रिंकू शुक्ला के परिजनों से संजय गांधी अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम के पास बात की। सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। जैसा कि एडिशनल एसपी अनिल सोनकर प्रारंभिक क्षणों में केवल ड्राइवर की मौत की बात कर रहे थे, थोड़ी देर बाद पुष्टि हो गई, एक नहीं दो मौतें हुई हैं, दूसरी मौत रिंकू शुक्ला की थी। सुनिए उनके परिजन क्या कुछ कह रहे हैं। क्या घटना, किस टाइम पे हुई? अभी बाईपास पे लगभग 1:30 बजे रात्रि में एक कंट्रोल रूम को मैसेज आया था कि एक ट्रक और एक कार की आपस में लड़ाई हो गई, जिसमें उसमें आग लग गई। सूचना पर पुलिस तत्काल घटनास्थल में चोराटा थाना क्षेत्र में आया, और जैसे ही वो थाना प्रभारी ने सभी अधिकारियों को बताया, सब यहाँ पहुँच गए, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, और तत्काल जो है उसमें फिलहाल रेस्क्यू किया गया, उसमें फायर ब्रिगेड से बचाने का प्रयास किया गया। क्योंकि ट्रक में ट्रांसफार्मर जो है उसमें आग लग गई थी, उसके आयल जल रहे थे, इसलिए लगातार जो है 3 घंटे तक उसमें आग लगी रही थी। तो जो कार था उसमें ड्राइवर दिख रहा है जो अंदर जल गया है। अभी FSL टीम जो है परीक्षण कर रही है, इसके बाद कहा जा सकेगा कि उसके अंदर कितने आदमी सवार थे। ड्राइवर जो है एक्सीडेंट के बाद जो चच्चू बच्ची उन्होंने बताया कि FSL टीम लगी हुई है, वो अपना काम कर रही है, इसके बाद ही पता चलेगा कितने लोग हैं। कैजुअलिटी मतलब अभी एक ही समझ में, अभी फिलहाल तो एक ही समझ में आ रही है। कैसे हुआ, क्या नाम है? नारी वारी संगीत कार्यक्रम में वहाँ से वापिस आ रहे थे। वापिस आने पर अपने दोस्तों को छाड़े, और जैसे वापिस आए तो ट्रक वाला मार दिया सामने से, 100 मीटर के लगभग कढ़ेल के ले गया और आग लग गई। उसमें सीएनजी गैस थी, उससे आग लग गई, हो गई, इसके बाद खत्म हो गए। तो कोई जानकारी देने वाला नहीं। आपके कौन थे? दमादर। क्या नाम था उनका? रिंकू। दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।